अब ये दादी करेगी शादी। जी हाँ, अनुपमा के शो की शायद बन जाएगी ये एक नई टैगलाइन, क्योंकि आने वाले एपिसोड में तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जी हाँ, आज का एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा धमाकेदार, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ऐसा अवतार अनुपमा का आपने, मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले देखा होगा। जी हाँ, हम सब जानते हैं, हमने काफ़ी दिनों से लास्ट के दो तीन एपिसोड में ये देखा है कि किस तरीके से जब से अनुपमा ने अनुज को शादी के लिए प्रपोज़ किया है तो घर का माहौल जो है काफ़ी इंटेंस बना हुआ है। हर कोई बस अनुपमा को ताने मारने के लिए रेडी है, आंखों से तीर चलाने के लिए रेडी है, लेकिन अब अनुपमा ने ठान लिया है कि वो नहीं रुकेगी। जी हाँ, वो नहीं रुकेगी उन परिवार के सामने जिन परिवार ने कभी उसको इज्जत नहीं दी, उन परिवार के सामने जिसने कभी उनके सपनों को नहीं समझा, और उन परिवार के सामने जिसने हमेशा उसको गलत ही ठहराया। आखिर क्या कुछ है आज के एपिसोड में इतना इंटरेस्टिंग, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर उसके पहले आपने हमारे चैनल फीफा फूज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जी हाँ, अनुपमा जैसे ही घर में कदम रखती है तानों की बरसात शुरू हो जाती है। बा से लेके वनराज से लेके किंजल की माँ तक उसको ताने मारती है, लेकिन अनुपमा जब एक बार शुरू होती है तो हर कोई उसको देखता रह जाता है। जी हाँ, अनुपमा पूछती है बा से उसका रिश्ता। जी हाँ, बहू तो नहीं है बा की, फिर बा उस पर आखिर इतना हक क्यों जता रही है? जो बहू है उस पर तो हक नहीं जताती। अपने बच्चों से सवाल करती है कि आखिर जब पापा की शादी हुई तो सवाल नहीं, तो मम्मी की शादी पे क्यों सवाल? जब पापा ने ये हरकतें की तो उस पर शर्मिंदगी नहीं, तो मम्मी ने शादी की तो उस पर शर्मिंदगी क्यों? जी हाँ, क्यों? एक औरत होना गुनाह हो गया, एक औरत होना पाप हो गया, और एक औरत का आगे बढ़ना पाप हो गया। जी हाँ, काफ़ी सारे सवालों के साथ तैयार है अनुपमा, और कर दिया है ऐलान कि अब होगी इस दादी की शादी। क्या है और क्या कुछ होगा अगले एपिसोड में, आप इसके लिए बने रहें हमारे साथ।